नमस्ते दोस्तों, आज हम दोनों के बीच संस्कृत के कुछ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का उल्लेख होगा जो कक्षा 10वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोदान संस्कार से आप क्या समझते हैं? गोदान संस्कार को किसान संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में शिष्य मुंडन करवा के अपने घर से पहली भिक्षा लेके अपने गुरु के घर जाते हैं। इस संस्कार में उसी से गुरु के घर जाते हैं, इसलिए इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहते हैं। अगला प्रश्न, विवाह संस्कार का वर्णन करें। विवाह संस्कार को एक पवित्र संस्कार माना गया है। इस संस्कार को पूर्ण करके मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इस संस्कार में कई कर्म कांड होते हैं, जैसे लड़का लड़की का देखा देखी, वर के घर पे वधु के पक्ष वाले का स्वागत, वधु के घर पे वर के पक्ष वाले का स्वागत, मंडप निर्माण, सिंदूरदान, लाजा होम आदि कर्म कांड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाह संस्कार का वर्णन करें। अंतिम संस्कार को ही दाह संस्कार कहते हैं। यही एक ऐसा संस्कार है जिसमें वह व्यक्ति खुद से नहीं करता, कोई और व्यक्ति इस संस्कार को पूरा करता है। इसी संस्कार से आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संस्कार क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार मनुष्य का एक अहम भाग होता है। संस्कार की वजह से ही मनुष्य का पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है। संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, बचपन के 6 संस्कार, शिक्षा के 5 संस्कार तथा एक विवाह संस्कार और एक दाह संस्कार। इस तरह कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। पंडित किसे कहते हैं? वैसे व्यक्ति जिसे ना ठंडी लगे ना गर्मी, जो भविष्य की सारी बातों को जान सके, जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सके और जो बता सके कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, उसे पंडित कहते हैं।